राज्य में चल रहे स्पीकर विवाद में अब आरपीआई ने भी छलांग लगाई है। राज ठाकरे हुकुमशाही कर रहे हैं, ऐसा आरोप करके मनमाड़ में आरपीआई के कार्यकर्ता रास्ते पर उतर आए और उन्होंने जिला संपर्क प्रमुख राजेंद्र अहिरे, जिला उपाध्यक्ष गंगा भाऊ त्रिभुवन इनके नेतृत्व में स्पीकर के समर्थन में मोर्चा निकाला। यह मोर्चा शहर के नगीना मस्जिद के पास आने के बाद यहां कार्यकर्ताओं ने मानवीय श्रृंखला बनाकर मस्जिद का संरक्षण किया। इस समय कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के विरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी की। राज्य और देश संविधान से चलता है, किसी के भी अल्टीमेटम पर नहीं। राज ठाकरे हुकुमशाही कर रहे हैं और देश में अशांतता फैला रहे हैं, इस वजह से उन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करने की मांग की गई है। राज ठाकरे हा मनसेचा अध्यक्ष हा मुस्लिमांना हेतुपुरस्कर टार्गेट करत आहे व मुस्लिमांचे मस्जिदीवरील भोंगे उतरण्यात यावे असा त्याने जो घाट घातलेला आहे, सर्वप्रथम आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियातर्फे त्याचा निषेध करतो। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्य घटनेने सर्वांना न्याय दिलेला आहे, कोणी कसेही खाऊ शकते, कोणी कसाही पेहराव करू शकते, आणि जे भोंग्याचा नियम आहे तो भोंग्याचा नियम सगळ्यांना लागू आहे। जे भोंगे आहे कायद्याने त्याचं रजिस्ट्रेशन करून ते भोंगे चालणार आहेत, परंतु भोंगे हे कदापि उतरणार नाही। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आचार्य साहेबांच्या आदेशाने तसेच मनमाडमध्ये माननीय राजा वारेंच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी या मस्जिदला या भोंग्यांना या ठिकाणी संरक्षण देत आहे व पुन्हा एकदा राज ठाकरेचा जाहीर निषेध करत आहे। तसेच राज ठाकरेला राजद्रोहाचा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून कडक शासन करावे अशी मी शासनाला मागणी करीत आहे।